हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 7, उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी। तो देखिए स्टूडेंट, उद्यान का मीनिंग होता है बगीचा या फिर हम गार्डन जिसे कहते हैं। तो ऐसे उद्यान में कौन सा विद्यार्थी लेखक को मिला था, ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो उद्यान दिया है ये कहाँ पर था, मुंबई के चरनी रोड, मीन्स जो मुंबई का चरनी रोड है वहाँ का ये उद्यान है या फिर बगीचा हम कह सकते हैं। चरनी रोड उद्यानात सायंकाळच्या वेळी अनेक नागरिक फिरायला यायचे। सायंकाळ मीन्स क्या, शाम का समय। तो शाम के समय पे इस बगीचे में या फिर इस गार्डन में कई सारे लोग घूमने के लिए आते थे। मुंबई येथील विल्सन हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आणि विद्याव्यासंगी लेखक कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजी देखील चरनी रोड उद्यानात रोज सायंकाळी 5:30 वाजता यायचे। तो देखिए, ये जो विल्सन हाईस्कूल था उसके मुख्याध्यापक मीन्स जो HM होते हैं और वही लेखक भी थे, एक विद्या व्यासंगी, उन्हें एक नाम दिया गया है कि वो एक लेखक थे और उनका नाम क्या था, कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर। तो वो भी हर रोज़ शाम के समय 5:30 बजे उस गार्डन में आते थे, उद्यानाच्या एका बाकावर बसून ते सोबत आणलेल्या पुस्तकाचे वाचन करत असत। बाकावर मीन्स जो बेंचेस होते हैं देखिए बैठने के लिए गार्डन में, तो वहाँ पे बैठ के वो क्या करते थे, बुक्स रीड करते थे, पुस्तक पढ़ते थे। बाकावर बसून वाचन करणाऱ्या कृष्णाजी केळुसकर गुरुजींच्या लक्षात आले की थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत आहे। तो जब वो रोज आते थे वहाँ पे बैठते थे और अपने पास जो भी बुक होता था उसे रीड करते थे या फिर पढ़ते थे, तो उसी समय उनको एक बात उन्होंने नोटिस की थी या फिर देखी थी कि वहाँ पे एक छोटा लड़का भी क्या करता है, बुक पढ़ने का काम करता है, वहाँ पे बैठ के आराम से वो भी बुक पढ़ता है। त्यावेळी त्यांनी त्या विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही। तो जब उन्होंने पहली बार देखा तो उन्होंने इतना ध्यान उसके नहीं दिया कि वो लड़का जो है वो कौन सा बुक पढ़ रहा है या फिर क्या कर रहा है। दूसरा दिवसी तो कालचा विद्यार्थी तेथे पुस्तक वाचताना त्यांना दिसला। तो देखिए, फर्स्ट डे जब उन्होंने देखा तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन भी उनको वो लड़का उधर ही बैठे हुए दिखा और कुछ बुक पढ़ते हुए दिखाई दिया। आता मात्र त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले। कुतूहल मीन्स क्यूरियसिटी क्रिएट होना या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ जानना चाहते थे कि ये लड़का कौन है और यहाँ पे बैठ के क्या पढ़ता है। तीसरा दिवसी देखील तोच विद्यार्थी कोणते तरी पुस्तक वाचताना दिसला। अभी देखिए, पहले दिन उन्होंने सिर्फ देखा, दूसरे दिन उनको ये बात समझ में आई कि वो हर रोज वहाँ पे आता है, और तीसरे दिन उन्होंने फिर से देखा कि फिर से वो जो लड़का था वो वहाँ पे बैठ के बुक रीड कर रहा था या फिर पढ़ रहा था। त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजींकडे बघितले, कुणीच काही बोलले नाही। तो दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ बात नहीं की। केळुसकर गुरुजी त्या मुलाजवळ आले, तो मुलगा वाचत होता। कुणीतरी आपल्याजवळ उभे आहे असे त्या मुलाच्या लक्षात आल्याबरोबर त्याने गुरुजींकडे बघितले। तो जब केळुसकर गुरुजी उस बच्चे के पास गए तो उस लड़के ने भी देखा कि उसे भी ये समझ में आया कि कोई तो हमारे पास आके खड़ा है। तो उसने भी देखा कि वो कौन है। गुरुजींनी अतिशय आपुलकीने त्याला विचारले, बाळ तुझं नाव काय? माझं नाव भीमराव रामजी आंबेडकर। तो देखिए, गुरुजी वहाँ से उठ के उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो वो जो लड़का था उसने क्या नाम बताया, माझा नाव भीमराव रामजी आंबेडकर। तो देखिए, नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का कौन था। वाह, छान नाव आहे तुझं, 3 दिवसापासून तुला रोज येथे बघतो, तू रोज काहीतरी वाचत असतोस, इतर मुलांसारखी तू मस्ती करताना दिसत नाहीस, म्हणून तुझी ओळख करून घेण्यासाठी मी तुझ्याजवळ आलोय। तो देखिए, गुरुजी उसे आगे क्या कहते हैं कि 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ते हो, तो इसीलिए मैं वो जानने के लिए और तुम्हारे बारे में जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, आपल्याविषयी इतक्या प्रेमाने स्नेहाने बोलणाऱ्या त्या गृहस्थांबद्दल भीमरावला आदर वाटला। तो देखिए, उस बच्चे के साथ इतने अच्छे से और प्यार से बात करने के कारण उसे भी अच्छा लगा कि कोई हमारे साथ इतने अच्छे से बात कर रहा है। त्याने गुरुजींना नमस्कार केला। केळुसकर गुरुजींनी विचारले, बाळ तू कुठं शिकतो? तो वो जो गुरुजी थे केळुसकर गुरुजी, उन्होंने फिर से उससे क्वेश्चन किया कि तुम कहाँ पे पढ़ते हो? मी एल्फिन्स्टन हायस्कूल भायखळा येथे शिकतो। तो उसने अपने स्कूल का नाम बताया कि वो कहाँ पे पढ़ता था। शाळेतील पुस्तकांशिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची मला आवड आहे, म्हणून शाळा सुटल्यानंतर इथं काही वेळ पुस्तक वाचत बसतो। देखिए, अवांतर पुस्तके मीन्स क्या, कि जो स्कूल के आपके बुक्स होते हैं उनके अलावा अदर जो बुक्स होते हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट मीन्स जो सब्जेक्ट के नहीं होते, अदर जो बुक्स होते हैं उन्हें अवांतर पुस्तकें कहा गया है। तो उसने ये कहा कि शाळेतील पुस्तके मीन्स जो स्कूल के बुक होते हैं उन्हें तो मैं पढ़ता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी जो बुक्स होते हैं उनको मैं
पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बुक्स रीड करना पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, स्कूल छूटने के बाद यहाँ पे बैठ के आराम से क्या करता हूँ, बुक्स को पढ़ता हूँ। वाह छान, चांगली पुस्तके वाचली पाहिजे। नंतर केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावच्या कुटुंबाविषयी चौकशी केली। तो देखिए उन्होंने इस बात के ऊपर क्या कहा कि अच्छी बात है, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस लड़के के घर वालों के बारे में पूछा। वहाँ पे ते विचार करू लागले, हा मुलगा इतर मुलांपेक्षा निश्चित वेगळा आहे, या मुलाला आपुलकी आणि मार्गदर्शनाची खरी गरज आहे। तो वो वहाँ पे सोचने लगते हैं कि जैसे कि बाकी के बच्चे मस्ती करते हैं या फिर बगीचे में आने के बाद खेलते हैं, तो लेकिन ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, बैठ के पढ़ रहा है। मीन्स सच में ये क्या है, बाकी बच्चों से अलग ही है। तो इसे अगर हम एक मार्गदर्शन, मीन्स अगर अच्छा डायरेक्शन उसे दे सकते हैं या फिर हम उसे अगर मोटिवेट कर सकते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, तो ये सच में कर सकता है। मैं विचार करत होतो कि पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे हे तुला सांगावे। तो उसके बाद वो उस लड़के से ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से अच्छे बुक्स पढ़े जाते हैं या फिर किस तरीके से पढ़ने चाहिए। सांगाना गुरुजी, आतुरतेने भीमराव ने विचारले। गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली आणि सांगितले, मी काही लेखकांची पुस्तके तुला वाचायला देईन, जरूर द्या गुरुजी, मला ते पुस्तके वाचायला आवडतील। तो देखिए वो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि किस तरीके से बुक्स पढ़ने चाहिए उसके बारे में वो बताते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जो कुछ लेखक या राइटर जो है उनके अच्छे बुक्स मेरे पास है तो मैं तुम्हें ला के दूंगा पढ़ने के लिए। मोठ्या मायेने भीमरावच्या डोक्यावरून गुरुजींनी हात फिरवला, भीमरावला खूप बरे वाटले। चरणे रोड उद्यानामध्ये केळुस्कर गुरुजींची भीमरावशी रोज भेट होऊ लागली। तो देखिए रोज वो लोग वहाँ पे आते थे, बैठ के बातें भी करते थे और उनके पास जो भी बुक होते थे उनको पढ़ते थे। गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले, त्यामुळे भीमरावच्या विस्तृत वाचनाला सुरुवात झाली। तो इस तरीके से रोज केळुस्कर गुरुजी जो थे उनके पास जो भी अच्छी अच्छी बुक्स थी वो उन्हें पढ़ने के लिए देने लगे, और दोनों भी वहाँ पे बैठ के क्या करते थे, पढ़ते थे। आता केळुस्कर गुरुजी आणि भीमराव यांची अभेद्य गट्टी जमली होती। अभेद्य मीन्स की कैसे, की कोई भी तोड़ नहीं सकता, इतनी अच्छी दोस्ती उन दोनों की हुई थी। केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन आणि पुढे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत पाठवण्यासाठी सयाजीराव गायकवाड महाराजांकडे स्वतः शिफारस केली। तो उन्हें पता था कि भीमराव जो है बाकी बच्चों से अलग है, काफ़ी होशियार भी है, तो उन्हें अगर अच्छा शिक्षण हो या फिर अच्छी पढ़ाई अगर उन्हें मिल पाएगी तो सच में कुछ करके दिखाएंगे। तो इसके लिए महाविद्यालय मीन्स कॉलेज का हो या फिर उसके बाद का जो भी पढ़ाई हो उसे करने के लिए उन्हें अगर अमेरिका भेजना था तो उसके लिए उन्होंने उस टाइम जो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज थे उनके पास सिफारिश की थी। त्यामुळेच भीमराव यांना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली। आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करून भीमराव जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक प्राप्त करणारे उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले। तो देखिए संधीचे सोने करणे मीन्स क्या, कि अगर आपके आपको कोई मौका मिलता है काम करने का तो उसका पूरा फायदा अगर आप उठाते हो तो उसे कहा जाता है संधीचे सोने करणे। तो यहाँ पे भीमराव ने भी क्या किया था कि उन्हें जो संधि मिली थी या फिर काम जो मौका मिला था कि अमेरिका में जाके जो भी उनकी पढ़ाई थी उसे पूरे करने का, तो उन्होंने सच में अच्छे से वो पढ़ाई पूरी की और नावलौकिक मीन्स अच्छा नाम कमाया, और इसीलिए आगे जाके उन्हें नाम क्या दिया गया था, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जो हम लोग भी जानते हैं उन्हें। अशा या उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने स्वतंत्र भारताची राज्य घटना लिखी। तो देखिए एक छोटा सा बच्चा जो कि एक बगीचे में उन्हें किर्लोस्कर गुरुजी जो थे उनको मिले थे, तो बचपन से ही ये समझ में आ चुका था कि वो सच में बाकी बच्चों से कुछ अलग करके दिखाएंगे। क्योंकि आजकल के छोटे बच्चे अगर हम देखेंगे तो उनका पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, खेलने में ही ज़्यादा टाइम पास करते हैं, लेकिन वो उस समय स्कूल छूटने के बाद स्कूल के अलावा भी बाकी बुक्स पढ़ते थे, और उनकी यही बात वहाँ पे जो किर्लोस्कर गुरुजी थी उन्होंने नोटिस की थी और आगे जाके उनकी हेल्प भी की और उनकी उनको अच्छा मार्गदर्शन किया कि जिसके कारण वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बन गए थे और उन्होंने हमारी स्वतंत्र भारत की राज्य घटना भी लिखी है। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये लेसन दिया है, तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।